आइए अब हम बात करते हैं प्रदेश में सत्तारूढ़ दल बीएसपी की। प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती के 15 जनवरी को मनाए गए जन्मदिन की रामपुर में हुई समीक्षा बैठक में पश्चिम जोन के कोऑर्डिनेटर मुनकाद अली ने कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब हैं, इसलिए बसपा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी नीतियों को जन जन तक पहुँचाने में लग जाएं। उन्होंने साफ कहा कि बसपा इस बार ऐसे लोगों को अपना प्रत्याशी बनाएगी जो साफ छवि के होंगे और जनता में उनकी पकड़ मजबूत होगी। बाबू मुनकाद अली ने साफ कहा कि अगली सरकार भी प्रदेश में बसपा की ही बनेगी, लेकिन बसपाइयों को पहले के मुकाबले ज्यादा मेहनत करनी होगी। बैठक में विधायक गिरीश चंद, जिलाध्यक्ष हेम सिंह आर्य, चेयरमैन हाजी करार अंसारी सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे। बसपा नेताओं ने 15 जनवरी को हुए जन्मदिन पर अमरोहा टाउन हॉल के कार्यक्रमों की प्रशंसा भी की। आइए अब हम बात करते हैं प्रदेश में सत्तारूढ़ दल बीएसपी की। प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती के 15 जनवरी को मनाए गए जन्मदिन की रामपुर में हुई समीक्षा बैठक में पश्चिम जोन के कोऑर्डिनेटर मुनकाद अली ने कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब हैं, इसलिए बसपा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी नीतियों को जन जन तक पहुँचाने में लग जाएं। उन्होंने साफ कहा कि बसपा इस बार ऐसे लोगों को अपना प्रत्याशी बनाएगी जो साफ छवि के होंगे और जनता में उनकी पकड़ मजबूत होगी। बाबू मुनकाद अली ने साफ कहा कि अगली सरकार भी प्रदेश में बसपा की ही बनेगी, लेकिन बसपाइयों को पहले के मुकाबले ज्यादा मेहनत करनी होगी। बैठक में विधायक गिरीश चंद, जिलाध्यक्ष हेम सिंह आर्य, चेयरमैन हाजी करार अंसारी सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे। बसपा नेताओं ने 15 जनवरी को हुए जन्मदिन पर अमरोहा टाउन हॉल के कार्यक्रमों की प्रशंसा भी की।